देश के सभी पूर्व सैनिकों को नमस्कार। आप देख सकते हैं किस मंच सज चुका है, सामने कुर्सियां लगी हुई है, इंतजार है केवल आपके यहाँ आने का। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में हम सबको सहयोग करना, ये रैली आपकी हमारी हम सबकी रैली है। एक दिन का कोई भी जरूरी काम हो, कल के सारे काम छोड़ दें, कल 100% यहाँ पहुंचे और इस यज्ञ में आहुति डालने का काम करें। हम इसी मंच से मोदी जी ने वादे किए थे हमारे से, उनको उन्हीं के किए हुए वायदे याद दिलाना चाहते हैं। आप जितनी ज्यादा संख्या में पहुंचोगे, इस समस्या का निदान, हमारे साथ हुई विसंगतियां, अन्याय भेदभाव को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। हम अनुशासित लोग हैं और आंदोलनकारियों की तरह हम ना रेल रोकेंगे ना रास्ते रोकेंगे, हम केवल अपने संख्या बल ज्यादा से ज्यादा दिखाकर इस सरकार को चेताना चाहते हैं। अब भी समय है, अब भी अपनी भूल सुधार लो। ये वही समाज है, वही सैनिक समाज है जिसने बढ़ चढ़कर आपके पक्ष में मतदान किया था, जिसके कारण आप इस सत्ता की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इस सिंहासन में ऐसा क्या है, आपको इन्हीं फौजियों की जायज बातें, अपने देश के पूर्व सैनिकों की जायज मांगे दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही। हमारा बार बार आपसे अनुरोध है, आप इस समाज को अपने से दूर मत करो। ये समाज आपसे दूर हो गया तो जिस प्रकार आप इस कुर्सी पर बैठे थे, उसी प्रकार आप इस कुर्सी से उतर कर फिर आपको ये सारी बातें दिखाई हुई सुनाई देने लग जाएंगी। आप मजबूर कर रहे हो, इसके लिए स्वयं आप दोषी हैं। देश का सैनिक समाज पहले आपके पक्ष में था, आज आपने जो अन्याय किया इस कारण हम आपसे थोड़ा नाराज हैं। तो कृपया करके अपनी भूल सुधार लें। अब मैं वीर बहादुर जी, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में मौजूद है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वो एक दिन पहले यहाँ आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो दो शब्द कहें। देखिए, आज हम लोग उसी ग्राउंड में बैठे हैं, खड़े हैं, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। तब वो पीएम नहीं थे, सीएम थे राज्य। कल का जो दिन होने जा रहा है, ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें न सिर्फ अपने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री को उनके वादे भी याद दिलाने हैं कि आपने बोला किसके लिए था वो आरोपी और ले कौन गए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जिनका हक है उनको दिलाया जाए, उनको दिया जाए, चाहे उनसे छीनना भी क्यों ना पड़े। तो इसलिए कल का जो दिन है, अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, इसमें इससे बड़ा कोई काम आपके लिए नहीं हो सकता। तो आप इस ग्राउंड पे कल जरूर पधारें, सारे काम छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, एक दिन कोई काम डिले हो जाएगा, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। आप सीधे अपने साधन से या किसी भी तरीके से आप कल इस मैदान में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।